ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान किया करो, उनका स्मरण करा करो। जो वैदिक परंपरा के वैष्णव परंपरा के हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के गायत्री मंत्र का जाप किया करें, जो जैन परंपरा के हैं वह रोज सुबह उठकर के नमोकार मंत्र का ध्यान किया करें। ध्यान नमोकार मंत्र ही जपना चाहिए। मंत्र बहुत है दुनिया में, लेकिन महामंत्र दो चार है। उन दो चार महामंत्रों में नमोकार महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है। मंत्रों की तो लाइन लगी है लेकिन महामंत्र बहुत कम है। एक बार जो नमोकार मंत्र को जप लेता है, हमारे ज्ञानी मनीषी आचार्यों ने कहा है 84 लाख मंत्र जपने का पुण्य उसे प्राप्त हुआ करता। 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है नमोकार मंत्र। ध्यान रखिए, रोज सुबह उठकर उसका स्मरण करिए, स्मरण करिए, और रोज सुबह उठकर नमोकार मंत्र को प्रणाम करिए। 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता शक्ति जिसमें समाहित है। अरे दूसरे मंत्र जपो तो उनमें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लगाना पड़ता है, लेकिन नमोकार मंत्र ऐसा है जिसमें ओम ह्रीम श्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ा करती है। उसका हर अक्षर बीजाक्षर हुआ करता है, उसका अक्षर अक्षर ईश्वर का अक्षर हुआ करता है। 35 अक्षरों का यह महामंत्र जीवन के कल्याण में कारण बन जाया करता है। एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना। कामना और याचना से स्वतंत्र कोई मंत्र है, कोई डिमांड नहीं है। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। नमो वज्जायाणम, उपाध्यायों को प्रणाम करता हूँ। नमो लोये शब्द शाहुणम, जगत के सर्व साधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बताइए कौन सी लाइन में डिमांड है, किस लाइन में कहा कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, किस लाइन में कहा कि मेरे ये दुख दूर करो। नहीं, केवल उस ईश्वरीय शक्तियों को प्रणाम किया गया है। तो कामना और याचना से कोई स्वतंत्र मंत्र है तो वह दुनिया में केवल नमोकार मंत्र हुआ करता है, जिसमें कुछ भी नहीं मांगा जाता है, कोई याचना नहीं की जाती है, कोई डिमांड नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, केवल प्रणाम है, अहोभाव से भरा हुआ है। हे ईश्वर जो भी है मैं तुझे प्रणाम करता हूं। ध्यान रखिए, केवल प्रणाम है, केवल वंदना है, ना कोई डिमांड ना कोई याचना। ये नमोकार मंत्र याचक नहीं बनाता। ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक प्रार्थना होती है, एक याचना होती है। प्रार्थना और याचना में इतना ही अंतर होता है कि जो प्रार्थना होती है वह पुजारी किया करते हैं, वो जो याचना होती है वो भिखारी किया करते हैं। ध्यान रखना, याचक भिखारी को कहा है, और प्रार्थना जो करता है वह पुजारी होता है। प्रार्थना और याचना में इतना अंतर है कि प्रार्थना कहती है और याचना कहती है। याचना का तो याचक यही कहता है कि हे ईश्वर जो तूने छोड़ा है वह मुझे मिल जाए, ये याचना है। ईश्वर ने धन धान संसार छोड़ा वह सब मैं बटोर लूं, ये याचना हुआ करती है। अरे ईश्वर ने जो छोड़ा है वह मांगना याचना है, और ईश्वर ने जो पाया है वह मांगना प्रार्थना हुआ करती है। हे परमात्मा जो तुझे मिला है वो मुझे प्राप्त हो जाए, जो तूने छोड़ा है वह मुझे प्राप्त ना हो, यदि वह प्राप्त करोगे तो याचक बन करके जिंदगी गुजारते रहोगे। प्रार्थना करो, हर धर्म में प्रार्थना के लिए कहा है, याचना के लिए आदेश नहीं किया है। एक आए व्यक्ति बोले महाराज मेरे घर का वास्तु गड़बड़ है, मेरे घर में कलह होता है, व्यापार नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि मेरे घर में नजर लग गई हो, मेरे घर में किसी की बुरी निगाह पड़ी है, ऐसा लगता है किसी का साया मंडरा रहा हो, ना जाने किन किन भ्रांतियों में आदमी जीता है। बोले आप कोई उपाय बताएं। मैंने कहा मेरे पास तो ज्यादा उपाय नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास, अटूट विश्वास यदि किसी पर है तो नमोकार मंत्र पर मेरा अटूट विश्वास है। मैंने कहा नमोकार मंत्र का जाप करो। ऐसा मुंह बनाया आदमी ने जैसे नीम का काढ़ा पिला दिया हो। बोले ये तो बचपन से जपते आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना,
जब कोई मंत्र हमारी आदत बन जाता है तो फिर उसमें मन नहीं लगा करता है। आदमी को नया नया मंत्र चाहिए, आदमी को नई नई स्तुति चाहिए, आदमी को नए नए भगवान चाहिए, नए नए गुरु चाहिए। एक बात याद रखना, जीवन में कभी गुरु मत बदलना, जीवन में कभी मंत्र मत बदलना, और जीवन में कभी अपनी आस्थाओं में परिवर्तन नहीं आना। एक बार जुड़ गई तो जुड़ गई। ध्यान रखना कि जो बार बार माला मंत्र और गुरु बदलते हैं, इनके जीवन में कभी भी सार्थकता नहीं होती। तुम तो ऐसे हो गए कि राम जी ने नहीं सुनी तो श्याम जी की पूजा शुरू हो गई, श्याम जी ने नहीं सुना तो विष्णु भगवान को पकड़ लिया, उनने नहीं सुना तो महावीर स्वामी को पकड़ लिया। आए दिन तुम भगवान बदलते रहते हो। एक बात याद रखो, कितने भी नाम बदल लो, शक्ति तो एक होती है और ईश्वर तो एक हुआ करता है। लेकिन आपके नाम बदलने से, आपके भगवान बदलने से भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारी आस्थाएं डामाडोल हो जाया करती है। एक बात स्मरण में रखिए, बताओ आप मुझे, दस दस फिट के दस गड्ढे खोदोगे पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? दस दस फिट के दस गड्ढे खोदने से मान्यवर पानी नहीं निकलता। मैं पुलक सागर कहता हूँ, 100 फीट का एक गड्ढा खोदो, पानी जरूर प्राप्त होगा, जरूर निकलेगा। तुम तो इतने तेज हो कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना। आए दिन परमात्मा को बदल लिया करते। धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर, प्रतीक्षा नहीं है तुम्हारे अंदर। विचार करिए कहां से आस्थाओं पे बरसात और वरदान मिलेगा। मान्यवर आदमी की स्थिति तो ये हो गई कि रामलाल की बारात में जाता है और श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बजने लगे तो इसे छोड़कर उसमें नाचने लगता है। जब पूछो कि क्यों रे तू कहां नाच रहा है, किसकी बारात में आया है, तू तो रामलाल की बारात में आया था। उसने कहा भाड़ में गया वो रामलाल और भाड़ में गया वो श्यामलाल। मेरा काम तो नाचने का है, जहां अच्छा बैंड बजे वहां नाचना अपना काम है। ऐसे भक्तों की कौन फरियाद सुनेगा? विचार करो। मैंने कहा एक काम करो, और आज से भी कह रहा हूं, कोई बीमारी हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, अकेले दवाओं के भरोसे मत बैठना, दुआएं भी काम करा करते हैं। मान्यवर जो लोग गोली खाने से पहले नमोकार मंत्र का सुमरण कर लेते हैं, मैं कहता हूं वो दवा दवा नहीं, परमात्मा की दुआ बनकर तुम्हारे जीवन को सार्थक और सफल कर दिया करते हैं। विद्यार्थी पढ़ने से पहले यदि प्रार्थना कर ले तो मैं कहता हूं उसके पढ़ाई के नंबर बढ़ जाएंगे। व्यापारी दुकान खोलने से पहले यदि नमोकार मंत्र का सुमरण कर ले उसके लाभांश में वृद्धि हो जाएगी। मैं तुमको विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कोई उद्योगपति अपने उद्योग शुरू करने से पहले नमोकार मंत्र का सुमरण कर ले उसके माल की आवक जावक में वृद्धि हो जाया करती है। कोई मकान बनाओ, नमोकार मंत्र का सुमरण कर लो, जो मकान 1 साल में बनना था वह मकान 6 महीने में बन करके खड़ा हो जाया करता है। कभी इन शक्तियों को पहचानने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करिए। जिनके घरों में लगता हो कि ऊपरी बाधाएं हैं, जिन्हें लगता हो हमारा वास्तु खराब है, जिन्हें लगता हो हमारी जमीन खराब है, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, बाजार जाना और एक मार्बल पर, एक पत्थर पर किसी शिल्पी से नमोकार मंत्र लिखवा लेना, और वह नमोकार मंत्र अंदर की ओर नहीं उभरे हुए अक्षरों को लिखवाना। और लिखवाने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं घर के हर दरवाजे पर वह नमोकार मंत्र का पत्थर लगा दीजिए, और हर जैन हो या अजैन हो अपने घर के द्वार पर नमोकार मंत्र का पत्थर लगा दो। दुनिया की कोई भी बुरी नजर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई शक्ति बुरी तुम्हारे यहाँ आ नहीं सकती है, कोई आसुरी शक्ति तुम्हारे यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। मान्यवर जो भी शक्तियां आएंगी नमोकार मंत्र से रिफ्लेक्ट होकर के वापिस लौट जाया करती है। इतनी शक्ति नमोकार मंत्र में हुआ करती है। अंजन ने जपा तो निरंजन हो गया, मैना ने जपा तो कोड़ी की दे कंचन में परिवर्तित हो जाया करती है। नमोकार मंत्र कोई सीता जुबान पर लाती है, अग्नि के कुंड में जल की धार बह जाया करती है। आस्थाएं और विश्वास, कौन कहता है भगवान नहीं बोलते?
बोलती है मूर्ति बुला के देखिए और एक बार नहीं 100 बार आजमा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के। आस्थाएं हैं, ध्यान रखिए। गणित काम नहीं चलता इबादत में, बनियागिरी काम नहीं चलती इबादत में, इबादत में तो भोला भाला मन काम करता है। भगवान की कृपा कभी तुमने देखा कि किसी बहुत बड़े वकील पर भगवान खुश हो गया हो, बहुत बड़े डॉक्टर पर भगवान खुश हो गया हो, बहुत बड़े आईएएस आईपीएस अफसर पे भगवान खुश हुआ हो? अरे ग्वालियर वालों, भगवान डिग्रियों पर खुश नहीं हुआ करता है। बहुत बड़े धनपति पर भगवान खुश हो गया हो, भगवान इज्जत और शोहरत पर खुश नहीं हुआ करता है। भगवान की कृपा डिग्री धारियों पर नहीं, भगवान की कृपा तो किसी भोले भाले पर बरसा करती है। भगवान की कृपा तो उन पर बरसती है जिनका मन पवित्र हुआ करता है, जिनका मन सच्चा सरल और सीधा हुआ करता है। सहजोबाई को जानते हो आप? नाम सुना होगा, भक्ति परायण सहजोबाई, अनपढ़ गंवार, कभी स्कूल नहीं। अनपढ़ों पे रीझ जाता है भगवान, क्योंकि अनपढ़ों के पास गणित नहीं है, अनपढ़ों के पास लाभ हानि नहीं है, अनपढ़ों के पास चुनाव नहीं है, अनपढ़ों के पास कोई चॉइस नहीं हुआ करती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ करती है। अनपढ़ तो भोले भाले हुआ करते हैं। और अभी तक मैंने देखा है तो भगवान या तो किसी सूरदास पर रीझता है, भगवान या भोली भाली मीरा पर रीझता है। अभी तक तो इतिहास में यही सुना है भगवान किसी चंदन वाला का उद्धार कर दिया करते हैं। भगवान जब भी रीझा है भोले भाले और मन के और पवित्र सरलता भरे मन पर। सहजो भाई जंगल जाती, विठल 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 और कुछ नहीं, रात दिन विठल विठल का ध्यान करती, कंडे बीन रही है सहजो भाई। जंगल में पशु चरने जाते और कंडों को इकट्ठा करती, अपने विठल के लिए भोग बनाती, कंडे बीन रही थी सहजो भाई। बीनते बीनते अचानक तूफान आ गया, इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज तूफान आया, ये सारे कंडे सहजो भाई के उस तूफान में उड़ गए। सहजो भाई खड़ी खड़ी देख रही, और भी कंडे बीनने वाली महिलाएं वहां पर। तूफान शांत हुआ, सहजो भाई ने कहा, बहनों जो मेरे कंडे हैं मुझे वापस दे दो, तुम्हारे कंडे तुम ले जाओ। महिलाओं ने कहा, पागल है क्या, अनपढ़ गंवार कहीं की कंडों पर कोई नाम लिखा है क्या, तेरा कंडा और मेरा कंडा? सहजो भाई ने कहा, मैं तो केवल अपने कंडे लूंगी, दूसरों के कंडों में मैं हाथ ना लगाऊंगी। लोगों ने कहा कि कैसी पागल और बावली हो रही है, कंडों पर कैसे पहचान बनेगी, ये तो गाय के गोबर के कंडे हैं, इस पर कोई नाम नहीं निशान नहीं। सहजो ने कहा, सब कंडे इकट्ठे कर लो, मैं अपना कंडा उठा लूंगी कौन सा है। बोले, देखो तो गांव की गंवारी ये कह रही मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। बड़ा मजाक बनाया लोगों ने उसका, बड़ी हंसी बनाई उसकी। सहजो ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। सारे कंडे इकट्ठे हुए, सहजो भाई कंडा उठाती, कान में लगाती, ये कंडा मेरा नहीं है। दूसरा कंडा उठाया, कान में लगा, हाँ ये कंडा मेरा है। लोगों ने कहा, कैसी पागल हो गई, ये कान में कंडा लगाती है और कहती है ये मेरा कंडा, ये उनका कंडा। कहते हैं सहजो भाई ने धीरे धीरे अपने सारे कंडे इकट्ठे कर लिए, बोले इन कंडों पे हाथ मत लगाना, ये मेरा कंडा है। लोगों ने कहा, कैसे पता चला ये तेरा कंडा है? सहजो भाई ने कहा, जैसे ही मैं कंडा उठा के कान में लगाती हूँ, कंडे से, अरे जिस कंडे से विठल विठल की आवाज आती है वो सहजो भाई का कंडा होता है, और जिस पर मेरे हरि का नाम नहीं आता वो मेरा कंडा कभी नहीं हो सकता है। ऐसी नाम में डूबी सहजो भाई, विचार करिए, नाम ही पड़ गया सहजो भाई, इतना विचारों का संप्रेषण था उसके भीतर कि जिस पदार्थ के सामने यदि सहजो भाई ने विठल कह दिया तो ध्यान रखना, यदि पेड़ पौधों के सामने भी विठल का नाम ले दे
तो पेड़ पौधों से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आ जाया करती थी। विचार करिए आप, क्या आपकी प्रार्थना और इबादत में इतनी ताकत है? सोचिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मंदिरों से टकराती हैं दीवालों से और लौट करके वापिस आ जाती हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा भी नहीं करती हैं। हम दिल से नहीं पुकारते हैं, हम हृदय से नहीं पुकारते हैं, हम प्राणपन से नहीं पुकारते हैं। देखा नहीं हमारी समाज में महिलाएं बगैर भक्तामर पाठ पढ़े पानी नहीं पीती हैं। 48 काव्य जब तक ना पढ़ ले, और जिन माताओं को पढ़ना लिखना नहीं आता वो दूसरों से भक्तामर पाठ सुनती हैं फिर भोजन ग्रहण करती हैं, लेकिन एक पढ़ रखा है, रट रखा है, जिंदगी भर भक्तामर पढ़ते हो। जहां तक मैं सोचता हूं कि मानतुंगाचार्य ने जिंदगी भर भक्तामर पाठ नहीं पढ़ा होगा, ना उन्होंने प्रतिदिन उसका पाठ किया होगा। जीवन में एक बार उन्होंने पढ़ा, और एक बार पाठ पढ़ते हैं भक्तामर का, और 48 तालों को तोड़ करके, जंजीर को तोड़कर बाहर खड़े दिखाई दे, जेल की सलाखों को तोड़ दिया करते हैं। एक बार पढ़ करके सुनिए, और आप जिंदगी भर पढ़ते हो, ताले तो छोड़ो, आज घर जाना, दरवाजे बंद करना, कुंडी लगाना और खोलना मत, एक एक काव्य पढ़ना, कुंडी टूटना तो छोड़ो, हिल जाए तो भी समझना कि हमने कोई भक्तामर पाठ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानतुंगाचार्य ने जो भक्तामर पाठ रचा, वही भक्तामर अनुराधा पौडवाल ने गाया, शायद जितना मीठा अनुराधा पौडवाल ने गाया उतना मीठा कंठ तो शायद मानतुंगाचार्य का भी नहीं होगा। लेकिन अनुराधा पौडवाल अपने कंठ से भक्तामर गा तो सकती है, पर कोई ताले तोड़ नहीं सकती है। और यदि स्वर ना हो तो भी मानतुंगाचार्य एक एक काव्य पढ़ करके एक एक ताले को तोड़ दिया करते हैं। प्राण जुड़े हैं, प्रार्थना से प्राण जुड़े होना चाहिए। प्राण नहीं जुड़े तो कोई प्रार्थना चमत्कार ना करेगी। हमारी प्रार्थनाएं तामसिक प्रार्थनाएं हैं, हमारी इबादत में भी दूसरों की भलाई नहीं है। एक बुढ़िया थी, उसकी पीठ में एक कुबड़ था, बड़ी दुखी थी, कुबड़ पीठ में रखकर घूमती थी सड़कों पर, और जो देखता था वो उसका मजाक बनाता था। जानते हो कुबड़ किसको निकलती है? पता है, जो लोग मंदिरों का खाते हैं उनकी पेट में कुबड़ निकलती है, जो धर्म का पैसा खाते हैं, जो ट्रस्ट का पैसा खाते हैं, जो लोग निर्माल्य भक्षण करते हैं, जो देव सास गुरु के द्वारा समर्पित द्रव्य को खाते हैं, अगले जन्म में उनकी पीठ में कुबड़ रख दी जाती है। ध्यान रखिए, इसलिए सब कुछ करना, भूखे मर जाना, दाल रोटी खा के जिंदगी गुजार देना, और ना मिले तो घास की रोटी खा के जीवन गुजारना, लेकिन कभी भी धर्म और धर्मायतनों का धन भक्षण नहीं करना चाहिए, धर्म स्थलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। मंदिरों की प्रॉपर्टियों पर कब्जे किए बैठे हैं लोग, बरसों से दुकान लिए बैठे हैं, 20-20, 40-40 रुपया किराया देते हैं। आप सोचिए, धर्म आधा है, आप धर्म का भक्षण कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और ईश्वर जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए, ये धर्म स्थलों पर कब्जे करना, धर्म स्थलों पर बपौती जमाना, धर्म आयतनों का खाना, चढ़ावा खाना। जैन दर्शन में कहा है कि सबसे बड़ा कोई पाप है तो निर्माल्य भक्षण सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले हजार। ध्यान, जब तक पुण्य उदय है खूब खा लो पी लो, जिस दिन पाप का उदय आएगा ध्यान रखना दाने दाने को आदमी तरस जाया करता है। ध्यान रखिए, कुबड़ निकल आई उस बुढ़िया को, मालिकियत मत करो, जो दुनिया का मालिक है हम उसके मालिक कैसे रहेंगे? हम यदि मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं तो हम केवल सेवक हैं, सेवक। मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूं, नियम लिखे रहते हैं, इस मंदिर में ये नहीं होगा, इस मंदिर में वो नहीं होगा, यहां ये नहीं चढ़ेगा, यहां वो नहीं चढ़ेगा,
आदेश से अध्यक्ष शर्म आती है मुझे। अध्यक्ष आदेश, अध्यक्ष कभी आदेश नहीं करता, ध्यान रखिए। और आदेश करता है तो उसका अध्यक्ष पना ज्यादा देर टिकता भी नहीं है, ध्यान रखिए। कभी भी मंदिरों के बोर्ड पर आदेश और आज्ञा नहीं लिखी जाती, भगवान के दरबार में आदेश काम नहीं करते, वहां पर तो हाथ जोड़कर निवेदन काम किया करता है। अरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इस देश पर आदेश नहीं चलाते, जब भी दिल्ली दरबार से उतरकर जनता के बीच आते हैं तो उन्हें भी हाथ जोड़कर जनता का निवेदन करना पड़ता है, जनता के हाथ जोड़ना पड़ते हैं, जनता पर हुकूमत नहीं। तीन लोग के नाथ पर कैसे हुकूमत करोगे, सेवक हैं। सौभाग्यवानों कि ईश्वर ने तुम्हें सेवा करने का मौका प्रदान किया है, ध्यान रखो।